सेवन तो आपकी जो पीछे वाली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 11.4, इसके थोड़े से क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको करवा रही हूँ, जो नहीं इंपॉर्टेंट थे वो मैंने नहीं करवाए हैं, इसके इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, अलेवंथ नहीं करना आपने। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, जो ये आपके सामने मैंने बनाई हुई है। एट ए राइट एंगल किस पे है? ए पे है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? ए सी करना है, जो कि इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें आपने क्या करना है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, क्योंकि ए सी निकाला आपने, उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, उसको एक बार नीचे लिख देंगे। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, इन दोनों को प्लस करके आया 169। अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब ए सी का स्क्वायर है तो 169 पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर हट के रूट बन जाएगा। 169 का रूट क्या होता है? 13। तो ए सी हमारे पास कितना आया? 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे है? आर पे है। प्रूव दैट पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी आर का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करनी है इन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद पी क्यू आर क्या दी हुई है हमें, एक ट्राइंगल दी हुई है। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का मतलब 2 पी आर का स्क्वायर जो उन्होंने दिया हुआ वो प्रूव करना है हमें। सबसे पहले उसके लिए हम खुद करेंगे लेट पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास दी होती है। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, पी आर है जो कि वो कि आर क्यू के बराबर है, हमने लेट किया हुआ है ये। उसके बाद क्या करना, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, और पी आर आर क्यू के बराबर लिया अभी हमने, तो आर क्यू की जगह हम पी आर लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर। अब क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर भी है, सॉरी नीचे मैंने नहीं लिखा हुआ, हैंड्स प्रूव वाली लाइन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी आर का स्क्वायर, हैंड्स प्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द स्क्वायर ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलिस राइट एंगल इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, की लेंथ हमें निकालनी है। सबसे पहले लेट ईच साइड ऑफ आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकाला, हाइपोटेन्यूज उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो कितना है 512 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख देना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, 512 है, बेस हमने लेट किया हुआ है एक्स, उसका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हमने एक्स लेट किया हुआ उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, जो कि हमारे साइड ऑफ आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल का हमें लिया हुआ है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 512, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 512 के साथ एक्स के सॉरी जो एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 लगा हुआ वो 512 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 256 आएगा इन दोनों को डिवाइड करके, और 256 का जो एक्स का ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ था तो 256 का रूट आ जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो एक्स 256 का रूट कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद ये आपकी आपको इस चैप्टर का इतना ही करना है, नेक्स्ट चैप्टर है आपको 12.1, तो इसका आपने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, जो मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी वो आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद इसको करना है, उसके बाद इस चैप्टर को करना आप, फिर आपको इजी हो जाएगा करने के लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने वैसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या निकाली है, कॉन्ग्रुएंसी निकालनी, कॉन्ग्रुएंसी होती है सेम सेम, मतलब जो दी हुई है बिल्कुल हर एक चीज़ इसमें सेम होती है, कॉन्ग्रुएंट उस होती है डायग्राम। जो फर्स्ट डायग्राम है, सर्कल में 2 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हो, दूसरी वाले में इसके साथ जो पेयर दिया उसमें भी 2 सेंटीमीटर दिया हो, इसका मतलब ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नीचे वाली जो आई बी है वो भी सेम है, वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये देखो सेकंड, ये डिफरेंट है, एक 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, शेप भी देखने में अलग लग रही है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे वाली है, जो बी है फिफ्थ है, वो कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम दी हुई है। उसके बाद जो थर्ड वाली है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो फिफ्थ वाली ये है, सिक्स्थ वाली है सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक छोटी दी हुई है डायग्राम, एक बड़ी दी हुई है, कॉन्ग्रुएंट वो होती है जिसमें सेम सेम फिगर होती है दोनों में। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर नेम द एंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट, इनमें से एंगल का नेम लिखना है जो कि कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ बी सॉरी ये ए ओ डी है, ये
बी लिख दिया मैंने, सॉरी ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है डी ओ सी से है। उसके बाद इसमें भी आप लिख सकते हैं, इसमें दो कॉन्ग्रुएंसी है, एक 50-50 वाली है, एक 80-80 डिग्री वाली है। एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ डी। उसके बाद है इन फिगर 12.10 ये दी हुई है आपको ए ओ बी बी ओ सी के बराबर और सी ओ डी के बराबर, क्योंकि सारी सेम दी हुई है आपको। ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। उसके बाद गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ यूर आंसर, अगर हम ये बोलते हैं कि ये सारी बराबर है और ये कॉन्ग्रुएंट है, अपने सपोर्ट में हमने क्या करना, आंसर देना है, रीजन देना है इसका। यस ये सारी कॉन्ग्रुएंट है, ये सारी इक्वल है, बिकॉज ऑफ दिस एंगल हैव द सेम मेजर, क्योंकि ये एंगल की सारी क्या है, सेम मेजर है। जो क्वेश्चन नंबर 5th है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब भी आपको करवाऊंगी, कोई बात नहीं करना है आपने, लेकिन मैं खुद बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फिलिंग द ब्लैंक्स, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर मैग्नीट्यूड क्या होंगे, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, जो उनके मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ़ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हमें कैसे पता चलेगा, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इफ़ टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट उसकी साइड क्या होगी, इक्वल होंगी। इफ़ टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट जो अभी हमने किया पीछे, उसके रेडियाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।